अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले दोस्तों आप किस तरीके से जीमेल आईडी, गूगल आईडी, प्ले स्टोर आईडी को बना सकते हो अपने मोबाइल फोन के अंदर। सो चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गूगल की आईडी या प्ले स्टोर की आईडी को कैसे बना सकते हो, जिससे आप अपने मोबाइल फोन में जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको अपडेट कर सकते हो, आप अपने मोबाइल फोन को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी पिक्चर वीडियोस वगैरह को रिकवर कर सकते हो। सो आई होप का वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपने कैसे एक जीमेल आईडी को बनाना है, आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल का मुकम्मल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका अकाउंट जो है ना, यहाँ से ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर आपको नीचे की जानिब अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, क्रिएट अकाउंट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फॉर माई पर्सनल यूज़, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो सो अब आपके सामने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाता है। तो यहाँ पर मैं एक आईडी का नेम लिख लेता हूँ, जो भी आप रखना चाहते हो, आप अपने नाम से रखना चाहते हो तो नाम से रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। आप फर्स्ट नेम भी ऐड कर सकते हो, लास्ट नेम ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हो, अब यहाँ से आपने मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज आपने यहाँ पर जो ईयर था जिसके अंदर आप पैदा हुए थे या डेट ऑफ बर्थ थी, तो यहाँ पर एयर को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर एयर लिख लेता हूँ और यहाँ से जेंडर गाइस, अगर आप फीमेल हो फीमेल को सिलेक्ट करेंगे, अगर मेल हो तो आपने मेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप यूज़र नेम क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ से आपने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स जैसे ही आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम लिखोगे तो यहाँ से आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपने अपना पासवर्ड इंटर कर लेना है। गाइज पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, जिससे कोई भी बंदा आपकी जीमेल आईडी को हैक नहीं कर पाएगा। पासवर्ड इंटर करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हो, अब यहाँ से आप कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को इन प्ले स्टोर की आईडी से कंट्रोल करना चाहते हो या इस जीमेल आईडी से कंट्रोल करना चाहते हो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका मोबाइल फ़ोन इस तरीके से आपका प्ले स्टोर इस आईडी से क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से अब आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशंस की मदद से आप अपने मोबाइल फ़ोन को आसानी के साथ जो है ना यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी वीडियोस को भी ज़रूर विज़िट करना।